लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व नेता और बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने रविवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हो गए। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने राजेंद्र भंडारी की बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की। इसके पहले विधायक राजेंद्र भंडारी ने एक लाइन का इस्तीफा लिखकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भेजा था। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र भंडारी जी का, जिन्होंने वर्षों से उत्तराखंड की बद्रीनाथ धाम की सेवा की है। अलग अलग पदों पर रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से अपने कार्यशैली से लोगों का दिल जीता, उससे बार बार तीन बार चुन के आना यही दर्शाता है कि इनकी लोकप्रियता और इनका प्रभाव अपने क्षेत्र में इनके काम के बल पर अभी भी बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है। इसी तरीके से इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में विकास का कार्य किया है, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का कार्य किया, भारत की विरासत को विकास के साथ जोड़ते हुए फिर एक बार भारत की हम सब की जो धरोहर है उसको संभालने संवारने का काम जो किया है, उससे प्रभावित होके उससे प्रेरित होके आज माननीय राजेंद्र भंडारी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रतिबद्धता के साथ, इसी मेहनत के साथ आपका भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकाल में लोगों में वही विकास की भावना से आप सेवा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमने आशा व्यक्त की है और जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, हम उनके पद चिन्हों पर करने का काम करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके लाएंगे। 14 विधानसभा में जो है कुल विधायक थे, 13 उसमें बीजेपी के थे, 1 में कांग्रेस का था। मैंने भी आज त्याग पत्र दे दिया है और बीजेपी की नीतियों में पूरा विश्वास व्यक्त किया।